बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था ANF एंटी नारकोटिक फोर्स का, और ये पेपर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट के लिए एक ही पेपर हुआ था। 31/1/2021 यानी कल ही ये पेपर हो चुका है। इसके दो पार्ट्स तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इस वक्त पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखिए ये पेपर फर्स्ट टाइम का पेपर था और सेकंड टाइम का पेपर भी इसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज जो पेज नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 39 से। पेज नंबर 3 देखे, 39 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबल प्राइज फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सबसे पहले नोबल प्राइज जिसने रिसीव किया था, दैट वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम इन फिजिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट मुस्लिम नोबल ल्यूरिएट वाज। नोबल ल्यूरिएट, नोबल प्राइज रिसीव करने वाले वो थे अनवर सादात। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 जो है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब एब्रोगेट हुआ था? 1969 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखे, 42 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज अब्दुल रशीद, जिसने कायदे आजम से और लियाकत अली खान दोनों से ओथ लिया था। कायदे आजम से एज अ गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान से एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 43 देखे, 43 नंबर क्वेश्चन, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज प्रोमलगेटेड ऑन मार्च 30 बाय जनरल यहया खान। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखे, 44 नंबर क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड, कत्ल किए गए थे, शहीद कर दिए गए थे 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में। और क्वेश्चन नंबर 45, तरबेला डैम इज ऑन द रिवर। तरबेला डैम किस दरिया पर बना हुआ है दोस्तों? तो ये तो मेरा ख्याल में ये इजी क्वेश्चन है, इट इज ऑन इंडस और रिवर। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखे, पेटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। इसका करेक्ट ऑप्शन द डेप्थ ऑफ ओशन या ओशन पाथ इसको कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन नंबर 47 जो कि टोटल नंबर ऑफ बैरेजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर इज 6, 6 रिवर जो है ना। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। टोटल 6 बैरेजेस दरिया सिंध पर तामीर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं कि द हाईएस्ट पीक ऑफ कोह ए सफेद इज सिकारम। ये स्पेलिंग कुछ कभी कभार इस तरह लिखते हैं, कभी ई की जगह ए लिखते हैं, सिकारम। ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि नाउन है, नाउन में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होते, ये बात याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 49, हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। हरारे कहाँ का कैपिटल का नाम है? जिम्बाब्वे का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी लगेगा, नन ऑफ द अबाव या नन ऑफ दीज। इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन को देखे, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटेन्स पॉलिटिकल पार्टी,
बोरिस जॉनसन जो है कहते किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ही बिलोंग टू कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 51 जो है, 51 नंबर क्वेश्चन, कायद आजम मोहम्मद अली जनाब वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1916 में लखनऊ फेक के बाद वो जो थे प्रेजिडेंट बने थे, और लखनऊ फेक में कायद आजम को बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी, और उसी की वजह से उसको द एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी मिला था। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम के मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस इकट्ठे बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखे, 52 नंबर, इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इंडियन सिविल सर्विस जो है 1858 में लॉर्ड कैनिंग के रूलिंग के दौरान इंट्रोड्यूस कराए गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 देखे, फाउंडर ऑफ लूदी डायनास्टी, बादशाहत शहनशाहियत या सुल्तनत को कहते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों, बहलोल खान लोदी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 54 जो थे, राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ सिंध, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने फिर शिकस्त दी थी 712 में, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 55 देखे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आईन में अब तक कितने तरामीम की गई हैं, द लास्ट वन वॉज 26, यानी टोटल 26 तरामीम की गई है, मेरा 25 या 26 है, एनी हाउ यहां पर यह नहीं है, तो नन ऑफ द अबाव है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं कि द हाइएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज इज, ये तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और किसी को पता है, K2 है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 57 नंबर क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट सी फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज बेनी कासिम फोर्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 58, नावल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन कभी कभार इसका आंसर आता है 1046, और कभी किसी जगह 990 किलोमीटर, यहां पर 990 है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रिव्यू कर ले, 1046 भी बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ है, एनी हाउ यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो ये थे दोस्तों पार्ट 3, और इसके बाद दो पार्ट्स मजीद इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड करने वाला हूं, मेरे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, और जिन दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही मेरे चैनल की तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको फेसबुक का एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर आपको तमाम वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।